ज्यादा है, इसलिए उनका गर्मा गर्म फिर दोस्तों हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मीर व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब, सब फिट और मेरी मन होता सब सही जा रहा है ब्रो। जी तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले भी अपने रिक्वेस्ट को करना चाहूँगा, जो दोस्त मेरी वीडियो भी देख रहे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दोस्तों जरूर दबाएं ताकि न्यू आने वाली वीडियो दोस्तों आपको मिल सके। चलिए ये आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों आज है ईद का पहला दिन और सुबह के बज रहे हैं 4:45 और अभी जो है ना हम जानवर के लिए पट्टे लेने जा रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि नमाज़ पढ़ने आने के बाद, ईद की नमाज़ पढ़ने आने के बाद पट्टे हो सकता है ना मिले लोगों ने। अक्सर लोगों ने जो है ना वो टोकन वगैरह मशीनें बंद कर दी होती हैं, तो हम अभी लेने जा रहे हैं ताकि ईद की नमाज़ पढ़ने के आने के बाद हम उसे खाना डाल सकें। चलिए पहले पट्टे ले जाते हैं, उसके बाद ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों जानवर जो है माशाल्लाह अभी वो ब्लैक वाला तो सो रहा है, हमारे वाला उठा हमें देख रहा है, तो अभी जो है ना हम उसको पानी शानी पिला के ना फिर पट्टे ले जाते हैं। हाँ जी शहजादे हो, क्या हाल है, ठीक हो, पानी पी लो थोड़ा सा। पानी नहीं पीना, बेचारा ना उदास हुआ होना ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह दुकान खुली हुई है, पट्टे मिल गए हमें, तो पट्टे ले जाते हैं दोस्तों घर पहले जल्दी से जल्दी, फिर ईद नमाज पढ़ने की तैयारी भी करनी है। दोस्तों हमने सोचा कि थोड़े से पट्टे इसको सुबह सुबह डाल देते हैं चोकर के साथ और बाकी जो है ना हम आके इसको ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अच्छे से डालेंगे। तो फिलहाल गुजारे के लिए ना मैंने पट्टे डाले हैं और चोकर डाल देते हैं, फिर जाके जो है ना दोस्तों ईद की नमाज़ की तैयारी करेंगे क्योंकि टाइम होने वाला है, लेट नहीं होना, जल्दी पहुँचना, खुतबा सुनना है, नमाज़ की तैयारी करते हैं। बच्चा पार्टी होगी है तैयार, हेलो रिहान, सलामुलेकुम आए, तैयार हो गए हो, पापा नहीं ना आए इस दफ़ा, चलो कोई बात है आप हमारे साथ चलो, मास पर ने बकर भाई तैयार हो रहा है, तैबू तैयार हो रहे हैं, चलो आओ चप्पल वगैरह पहनो ना आओ। तो तैयार शायद हम हो गए हैं दोस्तों, आपसे ईद मिलते हैं आके ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद, ठीक है। तैयार हम हो गए हैं, सूट हमने पहन लिया आज ये वाला, तो रास्ते में बात नहीं हो पाएगी क्योंकि हो सकता है तैबू साथ हो, यानी कि मेरे अबू साथ हो, इनके तैबू मेरे पापा हैं, तो हो सकता है वो साथ हो तो रस्ते में बात ना हो पाए, या हो सकता है कि हम पहले नहीं कर जाएं। तो वो तैबू आए भाई रुहान हैं, देखो मौसम बहुत ही अच्छा है, मौसम आपको दिखाऊं, धूप नहीं निकली हुई, सूरज नहीं निकला हुआ, तो मौसम तो अच्छा है दोस्तों, और मेरा सूट भी बड़ा अच्छा रहा से, ये देखें ज़बरदस्त सूट है, कलर बड़ा प्यारा, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वाला कलर। तुम ऊपर क्या देख रहे हो वैसे, मुझे दिखाओ ज़रा ऊपर क्या है, पता नहीं क्या देख रहा है ऊपर है रोहानी, क्या देख रहा है, क्या देख ले ऊपर, हेलो तैबू लोग पापा लोग आ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह हू अकबर अल्लाह हू अकबर वलिल्लाहिल हम्द। लेट हो गए हैं यार क्योंकि लोग सारे, फिर जगह नहीं मिलती, फिर बाहर बैठना पड़ता है, मसल्ले तो लेके आए हैं लेकिन यार पहले जाना बनता है हमारा, ज़्यादा है इसलिए उनका कहना तकबीरात का कहना ये हाथ कानों तक ले जाकर ये हमने नियत करनी है, जब हम नियत कर चुकेंगे इमाम मिल लो तैबू से मिलो तैबू से मिलो। चलो बकर भाई से मिलो, आप भी मिलो रुहान, ईद मुबारक मिलो बकर भाई से, ईद मुबारक मिलो, चलो ईद मुबारक। जाके ना अब मामा लोगों को ईद मिलते हैं, वो वेट कर रही होंगी। ईद मुबारक माँ जी, ईद मुबारक, किधर चाची, ईद मुबारक, ईद मुबारक।
दोस्तों, लेडीज़ बेचारी जो है ना सुबह से ही लग गई हुई हैं, सेवियाँ शेवियाँ और जो है आलू चाट वगैरह बन गई हुई है, सेवियाँ शेवियाँ, वाह माशाल्लाह ज़बरदस्त प्लेटें सज रही हैं। मुबारक भाई कोको, ईद मुबारक। बोले तुम आते फ़ोन के साथ लग गए हो। ईद की नमाज़ हम पढ़ रहे हैं और अब सब मेरे चाहने वालों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्त अहबाबों को, जो दोस्त मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। बकरा ईद है, बहुत बहुत ईद मुबारक। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छे अच्छे खाने खाएँ, कुर्बानी करें। आज हम कुर्बानी नहीं कर रहे दोस्तों, हम ईद के दूसरे दिन करते होते हैं, क्योंकि पहले दिन हमारे घर मेहमान आते जाते हैं, हमें बाहर आना जाना होता है, तो हम करते हैं ईद के दूसरे दिन कुर्बानी। तो दोस्तों, आप सब दोस्त अहबाबों को, रिश्तेदारों को, मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, सबको बहुत 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 ईद मुबारक, बहुत ईद मुबारक। जाके सेवियाँ खाते हैं। लाओ जी, लाओ सेवियाँ लाओ। वाह ज़बरदस्त। उससे पहले सेवियाँ खाना, मैं ठंडी हो जानी है। ठीक है दोस्तों, सेवी सेवी हमने खा ली हैं, तो अभी ना फूरी तौर पर जाके पहले काऊ को देखते हैं, वो उसको खाना छाना चाहिए, तो खाना छाना डाल देते हैं। ना सुबह सुबह मैंने ला के इसको डाला है, तो अभी फ्रेश ही है, अभी इसे भूख लगेगी तो वो खा लेगी। तो काऊ को जो है ना, हम देख लिए जानवर को, तो अभी उसे ना भूख सूख नहीं है, उसे सुबह मैंने पट्ठे वगैरह डाले थे, तो अभी वो दाल बैठी हुई है, तो अभी ना उठेगी, जब उठेगी भूख लगेगी तो खाना खाएगी वो। तो अभी जो है ना, हम जाके रेस्ट करते हैं, चेंज करके रेस्ट करते हैं, नींद नहीं पूरी, रात को लेट सोए हैं, तो अभी जो है ना जाके नींद पूरी करते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर उठेंगे तो उसको भी खाना डालेंगे और ख़ुद भी खाना खाएंगे। तो अभी जाके ना रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सब सोने की तैयारी कर रहे हैं, नींद वगैरह पूरी करनी है, रात को लेट सोए हैं, मैं निशन ये लगा रही थी लेडीज़। आपसे दोपहर को उठ के मुलाकात होती है। जी दोस्तों, दोपहर के बज रहे हैं 4:15, खाना लग चुका है और अब हम खाना खाने लगे हैं फैमिली के साथ। क्या बनाया था? चाहिए बटन है ये। चलो दोस्तों, अभी दोस्त मिलने आए हैं, उससे ज़रा ईदी मिलते हैं। कोई बात है? कौन है, कहाँ है? सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भाई, क्या आ रहा है? ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक है? किधर हो तुम लोग भाई? 3 हफ्ते से तुम लोग गायब हो। अच्छा नहीं, वकार तो आता रहा है, क्योंकि मैं बिजी हो गया था जानवर के साथ, भी एक दफ़ा मंडी चला गया हुआ था पीछे जी, मैं तू नहीं आया, मैं थका हुआ। तुमने जानवर पहले दिन ही कर लिया? जी तो दोस्तों, अब इस तरह है कि हमने ना खाना शाना खा लिया, नींद में जाके बैठ के खा लिया, मैं सोया था आपको जैसा कि बताया था, मैंने खाना शाना खा लिया, तो अभी पेट फुल है, अभी जो है ना हब्बस हुई हुई है, तो बारिश का मौसम तो है लेकिन हब्बस है, तो मैं सोच रहा हूँ हम जानवर को नहला दें, क्योंकि वो ना काफ़ी गंदा हुआ हुआ है, तो हमने कल सुबह सुबह कुर्बानी कर लेनी है, तो फिर होगा इस तरह के ना, वो खाल गंदी होगी ना, वो फिर हमें भी गलादत फील होगी और कसाईयों को भी, तो हम सोच रहे हैं अभी जानवर को नहला देते हैं, एक दफ़ा फ्रेश कर लेते हैं, फिर खाना छाना डालेंगे उसको, तो अभी जाके ना बच्चे बाहर उसके साथ मिलकर ना जानवर को नहलाते हैं। चलो आओ रोहान। इतनी पक्की रस्सी कौन बांधता है? चलो कुछ टीके लगे हुए, इसलिए इसको टीके लगे सरफ ले गया। अभी हाँ दूसरी साइड नहीं तो कोई बच्चा आगे जाए ना, तब बंद कर दिए करो, अभी 4 मिनट हुए, 5 मुंह की बारी आते तब डरता है, क्योंकि बंद किस लगते हैं। चलो आप खाओ।
सिर्फ और चाहिए हाँ बस ऊपर से पानी पानी कोई काम इसको खाल के ऊपर भी खारिश होती है नहीं इधर से ज्यादा होती है चबाता है ना करो उसको ना करो चलो बस हो गया चलो चलो हो गया पानी बंद कर दो भाई चलो दोस्तों मेरा हाथ धो दो आगे करो ना यहाँ रखो कोई बात नहीं बस क्या रात के लिए आ जाएगा काम ये रात को डाल ये भी डाल नहीं थोड़ा है ना मुझे टक्कर मारेगी वो उतर गया वो कहती हूँ यार चाकू का टेस्ट होता है लेकिन ये देखो कहने की चोकर फेंकी तुमने इसके इधर फेंकी ना उधर से आसानी से खा ले खाएगी खाएगी सब खाएगी जी तो दोस्तों खाना शाना ना हमने उसको डाल दिया तो अभी वो सुकून से खा रही है आपको दिखा देते हैं फिर से माशाल्लाह खाओ 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 आराम से खाओ माशाल्लाह दोस्तों खाने लग गई है सुकून हो गया ठंडी हो गई है तो अभी खाना शाना खा ले हम ही थोड़ा सा चेंज करते हैं अब नहाते धोते हैं साफ सुथरे होते हैं और फिर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर शाम को उसके बाद फिर आएंगे बाय बाय खाना खा लो आते हैं जी तो दोस्तों रात के बज गए हैं 10 और मैं आपको बताना चाहूँगा आगे घर वाले गए हैं चाचू को लेने के लिए तो अभी थोड़ी देर तक चाचू आ जाएंगे यानी कि मेरी ईदी आ जाएगी उनसे ईदी लेंगे दोस्तों अपनी और आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जानवरों को ना शाम को खाना शाना फिर अभी थोड़ी देर तक डाला था लेकिन अंधेरा था तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना पाया तो अभी रात को ना थोड़ी देर के बाद यानी कि 2-3 घंटे बाद या हो सकता है रात को 1-2 बजे एक लास्ट मील उसको दे आए क्योंकि सुबह सुबह जो है उसके कसाई आ जाएंगे फजर टाइम तो फिर उसको खाना नहीं खिलाया जा सकेगा तो जो खाना है मैं सोच रहा हूँ कि वो उसको डाल दूँ तो अभी चाचू लोग आते हैं फिर आपको मिलवाते हैं ले जी दोस्तों हमारे चाचू आ गए हैं चाचू नहीं है ये मेरी ईदी आई है ये जो पैसे ये पैसे इन्वेस्ट करके जो बंदा लाए हैं ना ये मैं अपनी ईदी के लिए लेके आया हूँ आए जी आए भैया पापा आ गए हैं चलो भाई चाचू मिलो दानियल को बुलाओ ये मेरी ईदी आई है क्या बन रहा है इधर चलो अंदर चलिए परेशानी लेके आंदे ने है मेरी गट्टू गाई मेरे भोले आजो आजो चाचू अंदर बैठो आके गर्मी बड़ी है बाहर नोटां नूं हवा लवा लो नोटां नूं हवा लवाओ गर्मी है ते पसीना ना आ जावे ते गिल्ले हो जाण भावें हैं बहुत गर्मी है हर चीज बड़ी गर्मी नोटा च भी बड़ी गर्मी है भाई मेरा गट्टू का आई कैसे आए हो लागत है के जी तो दोस्तों हमारी ईदी आ चुकी है अभी इनको रिलैक्स करने देंगे इनको तंग नहीं करेंगे तो ये जो है ना अभी आराम से सांस ले लें कुर्बानी शुरबानी कर लें ईदी हम इनसे ज़रूर लेंगे क्योंकि चाचू हैं उनसे ईदी मिलनी होती है और किसी से नहीं मिलती तो इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि चाचू हमें ईदी ज़रूर देंगे अभी इनको आराम करने देते तंग नहीं करते ज़्यादा तो खाना शाना खाते हैं दोस्तों और उसके बाद जो है रात को काऊ को आखिरी खाना देने जाएंगे अभी ज़रा ना रिलैक्स होकर खाना शाना खा लेते हैं जी दोस्तों वक्त की मुनासिबत से ना अभी चूँकि थोड़ा लेट हो गया तो चाचू को भूख लगी हुई है तो अभी क्या है रैप है कि पराठा रोल है रैप बनाया है दोस्तों इन्होंने तो बच्चे सच्चे जो खा रहे हैं बच्चों से इन्होंने खा लिया है रोहान चलो खाओ भाई खाओ खाओ टेस्ट करके बताते हैं कैसा है टेस्ट करते हैं दोस्तों मजेदार तू भी कैमरा मुझे मेरे मुंह पे रख दे
ईद मुबारक, ईद मुबारक, सरप्राइज मिला हमें। ईद मुबारक छोटे, कैसा है तुम्हें? ठीक हुई है? ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैमरे पे कैमरा लगना है, अच्छा देखा। सरप्राइज दिया है बिलाल लोगों ने हमें। बैठो भाई, बैठो। जी तो दोस्तों, अभी जो है ना, बिलाल हुसैन ने हमें सरप्राइज दिया है, तो हमने अभी ना बंडी वाले ब्लॉग पर डिस्कशन काफ़ी लंबी की है। मैंने तो नहीं इतना वो डिटेल ऐड की, लेकिन बिलाल साहब जो है, आप उसका ब्लॉग देखें तो उसमें आप डिटेल नजर आएगी, आपको डिटेल बताएंगे। तो इनके साथ टाइम अच्छा स्पेंड हुआ है हुसैन साहब। साथ हुआ ना, आपने जरूर देखना है। मैं एक लहदा इसका बनाऊंगा कि यार स्टोरी ऑफ आवर कुर्बानी, कुर्बानी पता लगेगा ना, डॉक्यूमेंट्री पूरी बनाएंगे और आप लोगों को तो दोस्तों अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह ना ईद के थर्ड डे इनके साथ कुछ प्लान बनाएंगे घूमने फिरने का। अभी आए थे दरअसल, ये हमें गोश्त वगैरह देने के लिए कुर्बानी इन्होंने फर्स्ट डे ही कर ली है, तो अभी ये जा रहे हैं ईद के थर्ड डे। ईद के थर्ड डे इनसे मुलाकात होगी। हाँ टाइम से कर लेना, सुबह आते हैं हमने। घर वाले कह रहे सुबह सुबह आ जाना, भला बंदा पूछे यार वो आए थे या अभी इनको आगे जलील करना है हमने? नहीं आते हैं सुबह, करते हैं तुम लोग। तो बस ये जा रहे हैं दोस्तों, इनसे मुलाकात होगी ईद के थर्ड डे। अभी चूंकि ना रात का टाइम है, तो गाँव को लास्ट मील भी डाल देते हैं फिर, ताकि अंदर जाके हम जो है ना सोने की तैयारी करें। तो अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी तो दोस्तों, बिलाल लोग ना चले गए, उन्होंने सरप्राइज दिया था, वो गोश्त वगैरह देने आए थे, तो वो लोग चले गए दोस्तों। और आज का ना ईद का पहला डे हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। तो खाना शाम हमने खा लिया हुआ है और पेट एकदम फुल है। अभी जाके ना खाने सोने की तैयारी करेंगे, लेकिन सोने से पहले ना चाचू के साथ जाके जानवर को खाना खाना डाल देंगे आधी रात को ना, मतलब 1-2 बजे तक, तो ताकि वो सुबह सुबह फिर हलाल होना है, तो उसको भूख शूख लगी होगी तो वो पेट भर जाएगा उसका, उसको रजा के रखना है। तो उसको ना अभी 1-2 बजे तक खाना डालेंगे जाके दोस्तों। तो आज के व्लॉग को करते हैं दोस्तों यहीं पर एंड। बहुत इन्जॉय किया है, बहुत अच्छा गुजरा है ईद का दिन, फैमिली के साथ, अपने जानवर के साथ, मोहब्बत के साथ अपना ईद गुजारी है। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज का ब्लॉग पसंद आए तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इंस्टाग्राम आईडी भी मुझे फॉलो करें दोस्तों, meet.vlogs के नाम से आईडी, वहाँ भी मुझे फॉलो करें। अपना ख्याल रखिए, ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।